ये लीजिए सर। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, 1000 का चालान कटेगा आपका। मैं चालान बना दे रहा हूँ, फाइन भर दिएगा। अरे क्या सर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, 500 रुपए लेकर छोड़ दीजिए ना। नहीं नहीं, आपको फाइन तो देना पड़ेगा 1000 का। अरे सर 100-150 और ले लीजिए, चालान क्या बना रहे, छोड़िए ना। तो मुझे घुस देने की कोशिश कर रहा है, तुझे पता नहीं पुलिस वाले को घुस देना कानूनन जुर्म है? अच्छा ठीक है सर, घुसाइए, मैं चालान काट दीजिए। अब आया ना तू लाइन पे, चुपचाप फाइन भर रहा यहाँ से निकल तू। और हाँ, आगे से सीट बेल्ट लगा के जाना, चलो निकले। लेकिन सर आप फूड डिलीवरी का काम कब से करने लगे? लेकिन सर आप भाग क्यों रहे थे? आप 2 मिनट बैठिए ना सर, आप प्लीज आइए ना। सर आप एक पुलिस वाला होकर डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहे हैं, और आप भाग क्यों रहे थे? ताकि तुम मुझे पहचान ना लो कि मैं एक पुलिस वाला होकर फूड डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। तो सर आप फिर ऐसा कर क्यों रहे? क्योंकि डर लगता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे देश में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मैं ये हेलमेट पहनता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। और वो तो तुम सामने आ गए, और तुम मुझे पहले से पहचानते थे, इसलिए मैं तुम्हें देख के घबरा गया और इसलिए मुझे भागना पड़ गया। अरे नहीं नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी कंप्लेंट नहीं करूँगा। पर सर आप फूड डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हैं? मजबूरी, पैसों की ज़रूरत, और 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए मुझे ये सब काम करने पड़ता है। लेकिन सर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको फूड डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है? मुझे मेरे बेटे का दिल का ऑपरेशन करवाना है, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर 2 महीने के अंदर मैं 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाऊंगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, और मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए काफ़ी लोगों से पहले से कर्जा ले रखा है, और मैंने सोचा कि खाली समय में ये सब काम करके कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमा लेता हूँ, और इसलिए दिन में मैं पुलिस वाला और रात में डिलीवरी बॉय होता हूँ। सर आप एक पुलिस वाले हैं, अब मुझे नहीं पता था कि पुलिस वालों को भी पैसे की कमी हो जाती है। क्यों, पुलिस वालों को नहीं हो सकते क्या पैसों की ज़्यादा ज़रूरत? अब मेरी एक आदत है। आदत? कैसी आदत? मैं कभी रिश्वत नहीं लेता, और मैंने खुद से ये कसम खाई है कि मैं कभी रिश्वत नहीं लूँगा। इसलिए उस दिन जब तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे तो मैं लिया नहीं था, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोगों से मैं रोज रिश्वत ले सकता हूँ, और शायद उन सबसे मेरे पैसे की जरूरत भी खत्म हो सकती है, पर मेरे रिश्वत ना लेने की उस कसम ने मुझे रोक रखा। सैल्यूट है सर आपको, पुलिस वालों के प्रति आपने मेरा नजरिया ही बदल दिया सर। सर आप रिश्वत लेने की जगह ज्यादा मेहनत करने को तैयार है। थैंक यू सर। चलिए फिर मिलते हैं। और भाई ये तुम्हारे बच्चे के पैसे, और हाँ एक बात आगे से याद रखना, कभी किसी को रिश्वत नहीं देना। सर मैं आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। सर मेरा भाई हॉस्पिटल में काम करता है, मैं उनसे कहा कि आपके बच्चे का ऑपरेशन करवा सकता हूँ। अरे यार भाई ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी भाई, अगर तुम मेरी इतनी मदद करवा दे तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता भाई। सर आप जैसे अच्छे और ईमानदार पुलिस वालों की देश को बहुत ज्यादा जरूरत है सर।